Hi everybody, so welcome to my channel Khushi Vasin. I hope you all are fine and doing good. तो भैया हम लोग आज से आरंभ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हमारा CUET 2022. एंड मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी, मैंने इंट्रोडक्टरी स्ट्रैटेजी वीडियो भी शूट किया है, उसका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा. वहाँ जाइए, उस स्ट्रैटेजी वीडियो को देखिए कि हम लोग कैसे जो है अपना गो फॉरवर्ड करने वाले हैं, या हाउ वी गोइंग टू डू फॉरवर्ड अबाउट एवरीथिंग. सब कुछ उसके अंदर मेंशन है कि हम थ्योरी को कैसे बाइफरकेट करेंगे, प्रैक्टिस को कैसे बाइफरकेट करेंगे. गो एंड वॉच इट इफ यू हैवंट इस वीडियो के बाद. एंड आज हम जो है एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स. ये चैप्टर आपका एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ. ये जो चैप्टर है ना आपका, ये चैप्टर आपका ये वाली किताब का है, इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक का है. इंडियन पॉलिटिक्स सेकंड बुक का चैप्टर है ये आपका, राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स, विच इज चैप्टर नंबर 7. इस चैप्टर का एनसीईआरटी नाम है, मैं ये पहले बता देता हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो, तब आप पूछो मैम ये कौन सा चैप्टर है. इस चैप्टर का एनसीईआरटी नाम है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, बट सीबीएसई ने इसका नाम रीनेम करके राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स कर दिया. एंड मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी. जैसे मैंने बोला था कि वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग एट ऑल, तो आप लोग फटाफट से ये वीडियो देख सकते हैं और आप एक रीकैप कर सकते हैं ऑफ ऑल द चैप्टर्स, ओके, ताकि आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत ना पड़े. आप बस 15-20 मिनट की वीडियो देखो एंड दैट विल बी फाइन. एंड इसका पार्ट 2 भी आएगा. ये इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा. तो जब हम, अच्छा चलो शुरू करते हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स, तो राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स में ना आप लोगों को समझने की जरूरत है कि यहाँ पे बड़ी सारी मूवमेंट्स आप लोगों को दे रखी हैं. जो कुछ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट्स थी या कुछ डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट मूवमेंट करी गई थी, ये बहुत सारी मूवमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो चिपको मूवमेंट दे रखी है, ठीक है, पार्टी बेस्ड मूवमेंट वर्सेज नॉन पार्टी बेस्ड. ये सारे के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे. टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो. ये सारे नोट्स में भेज दूंगी. बहुत छोटे क्लबिंग नोट्स बनाए हैं मैंने, बहुत छोटे नोट्स बनाए हैं ताकि फटाफट से आपका रिविजन हो. 10 पेजेस में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है मैंने, तो इसको बस पढ़ो एंड आपका चैप्टर डन है. इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं. और हम लोग थ्योरी पे कम फोकस करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें से क्वेश्चन आने हैं और वो क्वेश्चंस 1 मार्कर क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे. तो पार्टी एंड नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट, दलित पैंथर्स, भारतीय किसान यूनियन, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, एंटी आरक मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारे आज हम करेंगे. चलो जी, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, देखो तो आज जो है, आज मैं आपको ये सारे नहीं कराऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. आज जो है मैं आपको इनमें से कुछ मूवमेंट्स कराऊंगी, कुछ मूवमेंट्स मैं आपको पार्ट 2 में करवाऊंगी और फिर आपका चैप्टर फिनिश है. तो सबसे पहले आ जाओ चिपको मूवमेंट में. अरे चिपको मूवमेंट कौन नहीं जानता यार, कौन नहीं जानता चिपको मूवमेंट को. ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसके अंदर जो उत्तराखंड की विमेन थी, उन्होंने ट्री को हक किया और जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोग थे, जो फॉरेस्ट को काटने आए थे, डिफॉरेस्टेशन के लिए आए थे, उन लोगों को जो है रोका. फॉर एंड ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स रही है इन द हिस्ट्री. सो द मूवमेंट बिगैन इन 2 or 3 विलेजेस ऑफ उत्तराखंड. ये मूवमेंट 2 से 3 विलेजेस ऑफ उत्तराखंड में हुई, जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिफ्यू, पता है क्या हुआ था इनिशियली, कि ये जो फॉरेस्ट के लोग थे ना, जो मतलब वहाँ पे जो विलेजर्स रहते थे, उन्होंने परमिशन मांगी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि हमें परमिशन दो कि हम यहाँ पे जो ऐश ट्रीज हैं उनको गिरा सके, ताकि वहाँ से एश ट्रीज को गिराने के बाद वो जो लकड़ी बचेगी उससे हम एग्रीकल्चरल टूल्स बना सके. ये फॉरेस्ट वाले लोगों ने, विलेजर्स जो थे वहां के रहने वाले लोग थे, उन्होंने परमिशन मांगी थी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिफ्यूज कर दी थी. ठीक है, सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिफ्यूज कर दी थी परमिशन टू द विलेजर्स टू फेल एश ट्रीज फॉर मेकिंग एग्रीकल्चरल टूल्स. However, the forest department, लेकिन forest department ने इनको तो मना कर दिया, लेकिन इनके अलावा बाद में जो है forest department ने यही same patch of land जो है वो दे दिया to the sports manufacturer for commercial use. Okay, so however the forest department allotted the same patch of land to the sports manufacturer for commercial use. यही same patch of land काटने के लिए दे दिया to the forest manufacturer, to the sports manufacturer company, ताकि वो अपने commercial use के लिए इससे अपने sports के जो products हैं वो बना पाए and eventually उसको बेच पाए. जिसकी वजह से विलेजर्स में काफी गुस्सा आया एंड उन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द मूव ऑफ द गवर्नमेंट, कि भैया जब हमने मांगा था कि हमें ये फॉरेस्ट जो है वो आप दीजिए ताकि हम यहाँ के ऐश ट्रीज गिरा पाए फॉर मेकिंग एग्रीकल्चरल टूल्स, तो आपने मना कर दिया था, बट अब आपने जो है स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर को ये काम दे दिया है फॉर कमर्शियल यूज.
तो अब लोगों ने डिमांड क्या करी, लोगों ने ये डिमांड करी, दे वांटेड दैट द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लो कॉस्ट मटेरियल टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ द रीजन विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस. क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि इन्होंने डिमांड करी, दे वांटेड, ये जो जितने भी लोग थे चिपको मूवमेंट के अंदर, उन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने सरकार से डिमांड करी कि भैया हमको लो कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाए टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड इंश्योर किया जाए कि इस रीजन का डेवलपमेंट हो रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस को हिलाए बिना. मतलब तुम पेड़ को काटे बिना डेवलपमेंट करो हमारे रीजन में, हमारे रीजन का इकोलॉजिकल बैलेंस मत हिलाओ. द मूवमेंट टुक अप इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ लैंडलेस फॉरेस्ट वर्कर्स एंड आस्क्ड फॉर गारंटीज ऑफ मिनिमम वेज. लोगों ने जो है, ये जितने भी विलेजर्स थे, इन्होंने इशू उठाया ऑफ लैंडलेस फॉरेस्ट वर्कर्स और इन्होंने मिनिमम वेज मांगने की कोशिश भी करी कि हमें मिनिमम वेज दिया जाए. इस मूवमेंट के अंदर जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज थी वो थी वुमेन पार्टिसिपेशन. इस मूवमेंट के अंदर जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज थी वो थी वुमेन की एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द चिपको एजिटेशन. दैट वाज अ वेरी नोवल एस्पेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट. इस मूवमेंट का रिजल्ट क्या हुआ, इस मूवमेंट का रिजल्ट ये हुआ कि मूवमेंट ने एक बहुत बेहतरीन विक्ट्री अचीव करी व्हेन द गवर्नमेंट इशूड अ बैन ऑन फेलिंग इन ट्रीज इन द हिमालयन रीजन फॉर 15 years. Yes, you heard me right. Movement ने, इस movement ने इतनी victory achieve करी कि literally जो government है, जो आपका, उसने ये issue कर दिया कि इस region में, उत्तराखंड के इस region में, हिमालयन region के अंदर 15 सालों तक कोई भी पेड़ नहीं कटेगा जब तक जो green cover है पेड़ों का वो cover ना हो जाए, जब तक वो fully restore ना हो जाए. बट मोर देन दैट, ये चिपको मूवमेंट जो है वो एक सिंगल इशू पे बेस नहीं थी. ये चिपको मूवमेंट फेलिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन के तो के फेवर में तो थी ही, लेकिन साथ साथ दिस बिकेम अ पॉपुलर मूवमेंट इमर्जिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग 1970s एंड लेटर. एंड इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी सम ऑफ दीज मूवमेंट्स. तो भैया ये चिपको मूवमेंट जो है ये सिग्निफिकेंट, बहुत सिग्निफिकेंट बन गई बिकॉज इसकी जो विक्ट्री हुई उस वजह से, वुमेन के पार्टिसिपेशन की वजह से, और साथ ही साथ इस मूवमेंट के अंदर जो किया गया कि मतलब हगिंग ऑफ द ट्रीज एंड प्रिवेंटिंग द ट्रीज टू गेट कट, तो ये मूवमेंट इसलिए काफी सिग्निफिकेंट थी. चलिए आते हैं पार्टी बेस्ड एंड नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स में. आपके बुक में ना पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स को बहुत इलैबोरेट कर रखा है, नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स को भी. मैंने एक स्क्रीन पे तुमको लाके खड़ा कर दिया है कि यही करना है भैया पार्टी बेस्ड एंड नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स के अंदर. देखो, पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स वो होती है जो मूवमेंट्स पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सपोर्टेड होती है. मैं अपने आप को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती है जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सपोर्टेड मूवमेंट्स है, उसको पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स कहते हैं. और वो मूवमेंट्स जिसका पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल एजेंडा से कुछ लेना देना नहीं है, उसको नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स कहते हैं. ठीक है, तो जरा समझ लेते हैं. पॉपुलर मूवमेंट्स मे टेक फॉर्म ऑफ सोशल मूवमेंट्स और पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड देयर इज ऑफन एन ओवरलैप बिटवीन देम. कभी 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 पता क्या होता है, सोशल मूवमेंट्स और पॉलिटिकल मूवमेंट्स का ओवरलैप हो जाता है. सोशल मूवमेंट्स को पॉलिटिकल मूवमेंट सपोर्ट कर रही होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, पीजेंट्स इन तेलंगाना रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश ने एक मैसिव एजिटेशन लाया था, ओके, अंडर द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड डिमांडेड रीडिस्ट्रीब्यूशन. उन्होंने डिमांड किया था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द कल्टीवेटर्स. ठीक है, इन्होंने डिमांड किया था कि भैया हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे लैंड कल्टीवेटर्स को. पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन द आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार एंड एडजॉइनिंग एरियाज कंटिन्यूड देयर एजिटेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वर्कर्स हु वर नोन एज नैग्जलेंट्स. इन्होंने, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो पीजेंट्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं आंध्र प्रदेश के या वेस्ट बंगाल के, बिहार के, इन लोगों ने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा, लेकिन किसकी लीडरशिप के तहत जारी रखा, किसकी लीडरशिप के अंडर जारी रखा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की लीडरशिप के अंदर. तो भैया ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के अंदर. अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने अभी क्या बोला, पार्टी बेस्ड मूवमेंट वो मूवमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सपोर्टेड है. जो ये तेलंगाना के आंध्र प्रदेश के जो पीजेंट्स हैं, इसको कौन सपोर्ट कर रहा था, CPI ML पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही थी. तो ये पार्टी बेस्ड मूवमेंट हो गई. ओके, हु आर नोन एज नैग्जलाइट्स. ठीक है, एंड द पीजेंट्स एंड वर्कर्स मेनली फोकस्ड, एंड ये जो पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैं, दे मेनली फोकस्ड ऑन द इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक इनजस्टिस एंड इक्वालिटी. लेकिन ये एक एग्जाम्पल है पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स का. क्यों? क्योंकि जो ये पीजेंट्स थे तेलंगाना रीजन या आंध्र प्रदेश रीजन के, इसको कौन सपोर्ट कर रहा था, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही थी.
नाउ मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स. नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स बेसिकली वो मूवमेंट्स हैं 1970s एंड 80s जहां पे मेनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है वो डिसइल्यूजन में जी रहा था विद द फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. यहां पे आप लोगों को याद होगा जनता पार्टी का फेलियर हो गया था 1977 के अंदर, जनता पार्टी पावर में आई 79 तक जनता पार्टी का फेलियर हो गया था जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी. याद है ना इमरजेंसी वाला पीरियड, फिर जनता पार्टी मोरारजी देसाई की पावर में आई, सो इंस्टेबिलिटी हो गई थी, इमीडिएट कॉजेज हो गए थे. मेनी ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव ग्रुप्स लॉस्ट फेथ इन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक, और बहुत सारे जो एक्टिव ग्रुप्स है ना उनको विश्वास ही नहीं रहा पॉलिटिकल पार्टीज पे. क्यों? क्योंकि कांग्रेस लायक नहीं थी कि उसको पावर में लाया जाए एंड कोई और पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस की जगह लेने वाली नहीं थी, तो वो फेथ खत्म हो गया था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में. दे देयरफॉर चूज टू स्टेप आउटसाइड द पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स इन, और जो ये सोशल मूवमेंट्स है इन्होंने सोचा कि भैया हमें पार्टी पॉलिटिक्स से हटके कुछ सोचना पड़ेगा. एंड दे एंगेज्ड इन मास मोबिलाइजेशन फॉर रजिस्टरिंग देयर प्रोटेस्ट. स्टूडेंट्स थे, यंग एक्टिविस्ट थे फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वो आगे आए, ठीक है, एंड इन्होंने जो है प्रोटेस्ट करना शुरू करा फॉर द मार्जिनलाइज सेक्शंस जैसे तुम्हारे दलित से आदिवासी. इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं था. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे दे लॉस्ट फेथ इन पॉलिटिकल पार्टीज. तो ये एक एग्जांपल है नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट का. दीज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये खुद से कोई चेंज लाना चाहती थी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के बिना. सो ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो है दे चोज टू रिमेन आउटसाइड द पार्टी पॉलिटिक्स. क्यों इन्होंने चूज किया टू स्टे आउटसाइड द पार्टी पॉलिटिक्स? बिकॉज दे डिड नॉट कंटेस्टेड इलेक्शन. ना इन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट करे, ना ही लोकल लेवल पे, ना रीजनल लेवल पे, ना इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मांगा. मोस्ट ऑफ दीज ग्रुप्स बिलीव्ड इन द पॉलिटिक्स एंड वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन इट बट नॉट थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज. बहुत सारे अब ना डिफरेंस है, देखो एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने में डिफरेंस है. तो बहुत सारे लोग थे जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहते थे लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे. वो एक सिग्निफिकेंट चेंज लाना चाहते थे देश के अंदर, एंड हेंस दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर कॉल्ड नॉन पार्टी फॉर्मेशंस या नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स. ओके, सो पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स जहां पे पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है, नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स जहां पे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने खुद के बलबूते पे कोई काम कर रहा है. ओके, लास्ट जो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है दलित पैंथर्स. अगली क्लास में भारतीय किसान यूनियन, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, एंटी अरक मूवमेंट, नर्मदा बचाओ, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, वैसे कोशिश करते हैं कि कर ले. एक मिनट, मुझे एक तो ना टाइम मुझे ऐसा लग रहा है देयर अ लॉट ऑफ टाइम बाउंडेशन. एक मिनट रुकना जरा. नहीं यार, कर लेते हैं, चलो दलित पैंथर्स करते हैं, आ जाओ. सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दलित पैंथर्स, देखो भैया नाम से ही पता चल रहा है दलित पैंथर्स किसके कॉज के लिए होगा, दलित्स के कॉज के लिए होगा. सो दलित पैंथर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी. मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आर्म्स एंड एम्यूनेशंस उठाती है. दलित यूथ की ऑर्गेनाइजेशन थी जो फॉर्म हुई महाराष्ट्र में 1972. भैया थ्योरी काम नहीं आने वाली, ये फैक्ट्स काम आने वाले हैं. चिपको मूवमेंट कहाँ हुई? उत्तराखंड के अंदर. पार्टी बेस्ड मूवमेंट का एग्जाम्पल याद करो, नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट का एग्जाम्पल याद करो, फैक्ट्स काम आएंगे, थ्योरी सिर्फ समझो, ठीक है. सो दलित पैंथर्स अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित यूथ वाज फॉर्मड इन द महाराष्ट्र इन 1972. एज अ पार्ट ऑफ दीज असर्शंस इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड दलित ग्रुप्स वर मेनली फाइटिंग अगेंस्ट द परपेचुअल कास्ट बेस्ड. आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि हाउ द दलित्स आर ट्रीटेड इन आर कंट्री एंड हाउ द दलित्स वर यूज टू गेट ट्रीटेड इन आर कंट्री. अब तो स्टिल द सिचुएशंस आर मच बेटर. सो द दलित ग्रुप्स वर मेनली वो लोग जो फाइट करे, दलित पैंथर्स में बेसिकली वो लोग थे जो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड मटेरियल इनजस्टिसेस जो उनके साथ हो रहे हैं, जबकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में काफी रिकॉग्निशन मिली है. भैया कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्निशन मिलना और असल में रिकॉग्निशन मिलने में सबको पता है कितना फर्क है. सो इवेंचुअली उनको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है इक्वालिटी और जस्टिस, और ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है. सो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन, इन्होंने क्या डिमांड किया, इन्होंने डिमांड किया कि भैया रिजर्वेशन नाम के लिए मत डालो, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए रिजर्वेशन का. एंड अदर सच पॉलिसीज ऑफ सोशल जस्टिस वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट डिमांड. सोशल जस्टिस एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन ये इनकी प्रोमिनेंट डिमांड थी. यू नो दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अबॉलिश करी. अब जरा ये कुछ फैक्ट्स याद रख लो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अबॉलिश करी अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
गवर्नमेंट ने लॉज पास करे जो एग्जिस्टेंस में आए 1960s एंड 70s में, लेकिन फिर भी आज हमारे देश में सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस होता है अगेंस्ट एक्स अनटचेबल ग्रुप्स कंटिन्यूड इन वेरियस वेज. सो जो दलित सेटलमेंट्स हैं इन विलेज, आज के दिन भी जो दलित सेटलमेंट्स हैं वो विलेज के बाहर होती हैं. मतलब दलित के जो ग्रुप ऑफ पीपल है, पहले की बात हो रही है कि जो दलित के ग्रुप ऑफ सेटलमेंट्स हैं वो विलेज से अलग हटके की जाती है, दैट इज सेट अपार्ट फ्रॉम द मेन विलेज. इनको बेसिक, इनको जो है दे आर डिनाइड एक्सेस टू बेस देवर डिनाइड एक्सेस टू बेसिक एक्सेस टू कॉमन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. Even Dalit women were dishonored and abused. तो इन सारी सिचुएशन की वजह से दलित पैंथर्स का जन्म हुआ, जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी ऑफ दलित यूथ दैट वॉज फॉर्मड इन महाराष्ट्र इन 1972. इनकी एक्टिविटीज क्या थी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. सो एक्टिविटीज ऑफ दलित पैंथर्स मोस्टली सेंटर्ड अराउंड द फाइटिंग ऑफ इंक्रीजिंग अट्रोसिटीज ऑन दलित्स. भैया इन लोगों ने लड़ाई लड़ी फॉर द इंक्रीजिंग बढ़ते हुए अत्याचार. अट्रोसिटीज मीन्स अत्याचार, बढ़ते हुए अत्याचार जो हो रहे थे अगेंस्ट दलित, उनके अगेंस्ट उन्होंने फाइट करी इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट. द लार्जर आइडियोलॉजिकल एजेंडा ऑफ पैंथर्स वॉज टू डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम. और इनका जो लार्जर डिमांड था वो ये था कि भैया कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करो. आपको पता है ना थ्री फोल्ड फोर फोल्ड वर्णा सिस्टम, आपके ब्राह्मण क्षत्रियाज वैश्या शूद्रास, तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाए. एंड टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑफ ऑल ऑप्रेस सेक्शन लाइक लैंडलेस पुअर पीजेंट्स एंड अर्बन इंडस्ट्रियल वर्कर्स अलॉन्ग विद दलित्स. पोस्ट इमरजेंसी मतलब 1977 के बाद, इमरजेंसी के बाद जो है दलित पैंथर्स जो है वो इलेक्टोरल कॉम्प्रोमाइजेस में फंस गया. मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अप्रोच किया दलित पैंथर्स को एंड वो फंस गया इन इलेक्टोरल कॉम्प्रोमाइजेस एंड इट अंडरवेंट्स मेनी स्प्लिट्स. और दलित पैंथर्स के काफ़ी सारे स्प्लिट्स हो गए विच लेड टू इट्स डिक्लाइन, जिसकी वजह से दलित पैंथर्स की जो वो प्रोमिनेंस थी ना वो खत्म हो गई. याद है हमने किया था पोलिटिकल फॉलआउट्स में बैमसेफ. तो ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, उसने दलित पैंथर की जगह ले ली. याद होगा तुम लोगों को हमने बैमसेफ किया था टर्म टू के अंदर. तो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैमसेफ टुक ओवर द स्पेस. फिर बैमसेफ के बाद दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनी. फिर उसके बाद तुम्हारा क्या बना, बहुजन समाज पार्टी बनी. समझे, तो इसके रूट्स वहां से आ रहे हैं. क्लियर विद एवरीबडी. आ जाइए और बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन. लास्ट टॉपिक है आज का, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर अगला वाला जो बचा हुआ है आपका NFF एंटी आरएफ मूवमेंट नर्मदा बचाओ एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन अगली क्लास में करेंगे. भारतीय किसान यूनियन कर लेते हैं लास्ट है. सो इन द ईयर 1988, ठीक है, प्लीज ईयर्स जगाएं, क्या हुआ था, क्या डिमांड्स थी ये याद रखना. देखो मैंने ऐसे नोट्स बना रखे हैं ना, डिमांड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये इंपॉर्टेंट है. ओके, सो 1988 में क्या हुआ, 1988 के अंदर अराउंड 20,000 फार्मर्स गैदर हो गए इन द सिटी ऑफ मेरठ उत्तर प्रदेश. 20,000 फार्मर्स जो है वो गैदर हो गए इन द सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश मेरठ एंड दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी रेट्स. भैया सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ाए, फार्मर्स को इफेक्ट कैसे आया भैया इलेक्ट्रिसिटी रेट से, फार्मर्स का क्या रिश्ता है, इरीगेशन करना है आजकल, जो भी इनके इक्विपमेंट्स है सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. सो इवेंचुअली ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया, धरने पे आ गए ये लोग कि भैया सरकार ने क्यों इलेक्ट्रिसिटी रेट्स जो है वो इंक्रीज करे हैं. द फार्मर्स कैंप फॉर अबाउट 3 weeks, 3 हफ्तों तक इन्होंने कैंपिंग करना स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया आउटसाइड द डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस, जब तक इनकी डिमांड फुलफिल नहीं हुई. ये मूवमेंट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड मूवमेंट मानी जाती है हमारे पूरे इंडियन हिस्ट्री ऑफ प्रोटेस्ट के अंदर. डिमांड्स क्या थी इनकी, इनकी डिमांड्स थी कि भैया सरकार जो है वो हायर गवर्नमेंट फ्लोर प्राइसेस दे फॉर शुगर केन एंड वीट. सॉरी, BKU डिमांडेड हायर गवर्नमेंट फ्लोर प्राइसेस फॉर शुगर केन एंड वीट एंड अबॉलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ द फार्म प्रोड्यूस. बेसिकली इनकी डिमांड थी कि भैया आटा चावल चीनी इन सबके जो दाम है वो कम करवाए जाए, मतलब इन सबके दाम सरकार बढ़ाए, मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाए ताकि फार्मर्स से जो किसानों से जो सरकार अनाज ले रही है वो ज्यादा दामों पे दे ताकि जो फार्मर्स की इनकम है वो इंक्रीज हो. साथ ही साथ जो इंटरस्टेट मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है कि मतलब बिहार से खाना या बिहार से अनाज उत्तर प्रदेश नहीं जा सकता या उत्तर प्रदेश से दिल्ली नहीं आ सकता, वो जो इंटरस्टेट जोनिंग पॉलिसीज लगा रखी है उसको हटाया जाए एंड गारंटीड सप्लाई हो इलेक्ट्रिसिटी की एट रीजनेबल रेट्स.
ठीक है जी, एंड वेविंग ऑफ द रीपेमेंट्स ड्यू टू ड्यू ऑन लोन्स. और भैया जो भी लोन्स दिए गए हैं अभी तक सरकार ने, उसको वेव ऑफ किया जाए, उसपे जो लोन्स हैं उसको वेव ऑफ किया जाए. एंड प्रोविजन ऑफ अ गवर्नमेंट पेंशन, और सरकार भैया फार्मर्स को पेंशन भी प्रोवाइड करे. तो क्या क्या डिमांड्स थी कि जो आटा चावल चीनी के जो दाम है वो सरकार बढ़ाए, मतलब कि फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो, रिस्ट्रिक्शन हो जाए, हटाई जाए इंटर स्टेट मूवमेंट फॉर फार्म प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो एट रीजनेबल प्राइस, रीपेमेंट्स ऑफ लोन हो, सॉरी सिमिलर क्या था, वेविंग द रीपेमेंट्स ऑफ लोन, मतलब कि हटा दी जाए जो रीपेमेंट्स ऑफ लोन है, एंड साथ ही साथ फार्मर्स को पेंशन दी जाए. सिमिलर डिमांड्स, और यही सारी सिमिलर डिमांड्स और भी बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही थी, सिर्फ एक उत्तर प्रदेश में बैठी हुई BKU नहीं कर रही थी, और भी बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही थी, जैसे शेतकरी संगठन ऑफ महाराष्ट्र, जैसे भारतीय किसान यूनियन मेरठ उत्तर प्रदेश में हो रहा था, वैसे शेतकरी संगठन जो है वो शेतकरी संगठन प्रोटेस्ट कर रहा था महाराष्ट्र के अंदर. एंड दैट डिक्लेयर्ड, और ये जो शेतकरी संगठन है महाराष्ट्र का, उसने ये डिक्लेयर किया कि ये जो फार्मर्स मूवमेंट है ये वॉर ऑफ भारत है, ओके, एंड सिंबलाइजिंग द अग्रेरियन सेक्टर अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ इंडिया. इस मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? These protests involved tens of thousands of farmers. इस protest में बहुत सारे farmers involved थे, and sometimes even over lakh from various villages of western Uttar Pradesh and adjoining regions. Throughout the decade of 80s, 1980 की पूरी decade, BKU ने massive rallies करी for the farmers in many districts and headquarters of the state and also at the national capital. Until the early 90s, और भैया 1990s तक आते आते BKU ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था फ्रॉम ऑल द पोलिटिकल पार्टीज, ओके, तो ये नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स में आ गया. इट ऑपरेटेड एज अ प्रेशर ग्रुप इन द पॉलिटिक्स विद इट्स स्ट्रेंथ ऑफ शियर नंबर्स. इसने एक प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट किया. प्रेशर ग्रुप क्या होता है? वो जो सरकार पे प्रेशर पोस्ट करता है उसको प्रेशर ग्रुप कहते हैं. So the organization along with other farmers organization across the states did manage to get some of their economic demands accepted. सरकार ये जो है ये मूवमेंट में कुछ जो डिमांड्स थी वो एक्सेप्ट हुई, सरकार ने कुछ कुछ डिमांड्स एक्सेप्ट करी, एंड द फार्मर्स मूवमेंट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सोशल मूवमेंट्स इन द 80s इन दिस रिस्पेक्ट. विद दिस वी हैव कम टू एन एंड टू दिस सेशन. एंड अगर आप सोच रहे होंगे मैम सिर्फ थ्योरी करा दी है MCQs की नहीं करवा रहे हो, तो इसके MCQs भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे. प्लीज टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ आप जो मैं आपको करवा रही हूँ जून के महीने में लगातार लग के करो, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. इसका पार्ट टू भी बहुत जल्दी आएगा, एक दो दिन में ले आऊंगी पक्का, तो उसको आप लोग अधेयर कीजिएगा. उसके अंदर हम लोग नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, एंटी आरएफ मूवमेंट, नर्मदा बचाओ एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग, इट वॉज सो ग्रेट हैविंग ऑल ऑफ यू पीपल. डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक यू आर गोना फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर गाइस. हां मैं भूल जाती हूं हमेशा, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय, टेक केयर.